Assalamu alaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum dear viewers, welcome to online classes and tutor tricks. I hope all of you are doing well. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसी इक्वेशंस है जिसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. टुडे आवर टॉपिक इज टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व दैट इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला और व्हाटएवर यू हैव थॉट हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव ऑल डिस्कस इट. डियर स्टूडेंट, या भी हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनको हम रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसके बाद जो है उनको सॉल्व करते हैं थ्रू क्वाड्रेटिक मेथड. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने मेथड यूज किए थे, हमने तीन मेथड यूज किए हुए थे, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. आपको जो भी पसंद आए आपने उस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने हैं. लेकिन पहला स्टेप हमारा क्या है कि इस तरह की इक्वेशंस को हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स फोर, यहाँ पे डिग्री हमारे पास 4 है, फिर डिग्री 2 है और फिर हमारे पास एक्स की डिग्री 0 है. तो इस तरह की इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. किस तरह रिड्यूस करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम सपोज करेंगे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक से. आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, आई थिंक 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है. यहाँ पे अगर आप देखें तो x 4 आया है, फिर -7 x स्क्वायर, फिर 12. तो इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं उससे इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें तो क्यू एक्स 4 है, यहाँ पे एक्स 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे सपोजिशन करते हैं. क्या सपोज करते हैं कि लेट ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये वाई के बराबर है, ये एक्स स्क्वायर जो है ये y के बराबर है. लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये हमने सपोज कर लिया और इसको इस इक्वेशन में पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर की जगह y, तो y और ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा -7 x स्क्वायर की जगह y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, क्या भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स हाई डिग्री हायर पावर इज 2. सो हियर वी हैव ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज y और उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है. स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो मेथड यूज किए थे, जो मेथड आपका दिल चाहे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो मेथड इजी लग रहा है वो फैक्टराइजेशन मेथड. तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड पर. आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 और इसका कोएफिशिएंट हमारे पास है 1, तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 आना चाहिए और एडिशन से क्या आना चाहिए -7, ये जो दरमियान में है. तो ऐसे दो नंबर्स हम ढूंढेंगे जिसकी मल्टीप्लिकेशन से आ जाए हमारे पास 12 जबकि एडिशन से आ जाए -7. तो अगर आप देख ले तो -4 और -3 क्या ये ऐसे नंबर्स है? यस इट इज, बिकॉज -3 एंड -4 इज इक्वल टू -7 बट इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स वी विल हैव आंसर 12. -3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 12. सो we can replace -7 with -4 and -3. यहाँ पे हम लिख लेंगे y square -4y -3y, यहाँ पे -7y की जगह मैंने -4y -3y लिख लिया प्लस 12 is equal to 0.
अब इन दोनों से कॉमन लेंगे और इस दोनों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y कॉमन लेंगे इन दोनों में, y माइनस फोर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y बच जाएगा और माइनस थ्री इससे हमने निकाला है तो माइनस फोर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि इन दोनों में आपने अब कॉमन लेना है, y माइनस फोर कॉमन लेंगे तो बाहर बच जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, या हमारे पास y जो है वो y माइनस फोर जीरो के बराबर होगा या y माइनस थ्री जीरो के बराबर होगा, तो y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू फोर, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू थ्री। स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो हमारा जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है, हमने y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक सपोजिशन की थी फर्स्ट स्टेप में, वो सपोजिशन क्या थी कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे y की जगह लास्ट में हम x स्क्वायर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर ले x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आ जाएगी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम अंडर रूट लेते हैं, तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू फोर, जब अंडर रूट से निकलेगा तो टू आ जाएगा, लेकिन सिर्फ टू नहीं आएगा प्लस माइनस टू आएगा। इसी तरह x ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट से नहीं निकल सकता, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि इक्वेशन की डिग्री जो होगी उतने हमारे पास रूट्स आएंगे या सॉल्यूशंस आएंगे। यहाँ पे आप देख लें हाईएस्ट पावर है एक्स फोर, इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है एक्स फोर, तो यहाँ पर आपको आंसर में चार सॉल्यूशंस चाहिए, अगर चार से कम है तो इसका मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन सेम है, अगर दो है तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन हमारे पास सेम है, आपने चारों के चारों इस केस में लिखने हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस टू माइनस टू, प्लस टू माइनस टू और प्लस अंडर रूट थ्री एंड माइनस अंडर रूट थ्री। ये तो वो इक्वेशन था जो हम रिड्यूस करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और बाद में सॉल्व करते हैं। अब अगर दूसरा इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हो, अब डियर स्टूडेंट्स अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं जो दूसरी तरीके का है, यहाँ पे तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास फोर थी। अब ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे हमारे पास एक पी ऑफ एक्स है तो उसके साथ ही इसका रेसिप्रोकल भी है, पी ऑफ एक्स वन ओवर पी ऑफ एक्स, वन ओवर पी ऑफ एक्स मतलब पी ऑफ एक्स नीचे है, यहाँ पे नॉमिनेटर में आया है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया है, तो इस तरह की इक्वेशंस के साथ हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम लेंगे या उन सबको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे नीचे क्या है, एक्स प्लस टू भी है और टू भी है, एक्स प्लस टू और टू को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 into x plus 2, denominator में 2 भी आया है, x plus 2 भी आया है, तो अब हम जब 2 into x plus 2 इसके साथ multiply करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 into x plus 2 into x plus 2, इसी तरह इस term के साथ भी multiply करेंगे, तो क्या आ जाएगा minus 2 into x plus 2 divided by x plus 2, यहाँ पे मैंने 2 into x plus 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, उस साइड पर भी इस तरह करेंगे 3 divided by 2 into 2 multiply by x plus 2। अब अगर यहाँ पे देखें x plus 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लिकेशन कर ले, यहाँ पे 2 है तो x plus 2 और x plus 2 हमारे पास आ जाएगा x plus 2 whole square equal to 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 3 सॉरी यहाँ पे माइनस टू बचता है, टू इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू बचता है,
इक्वल टू यहाँ पे 3 जो है x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को खोले, इस फार्मूला को खोले, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो वी कैन से x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 2ab, 2 इनटू दिस इनटू दिस, 2 इनटू x, x 2x आ जाएगा, इनटू 2 4x आ जाएगा, प्लस 4x और माइनस 2 इक्वल टू 3, अंदर मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 6 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये इस टोटल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8x माइनस 2 अपनी जगह पर इक्वल टू 3x प्लस 6। अब 3x प्लस 6 को इस साइड पे शिफ्ट करें, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हम रिड्यूस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके राइट साइड पे हमारे पास 0 होता है और लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर पहले होता है, फिर x होता है और फिर हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो x स्क्वायर तो यहाँ पे है वो 2x स्क्वायर आप लिख लें। अब यहाँ पे प्लस 8 प्लस 8x माइनस 2 इसको यहाँ पे शिफ्ट करें, माइनस 3x माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 3x है इस साइड पे लेंगे माइनस 3x, यहाँ पे प्लस 6 है इस साइड पे लेंगे माइनस 6 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर अपनी जगह यहाँ पे x अगर है तो वो लिख ले, फिर 8x माइनस 3x यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5x। अब 8 माइनस 2 माइनस 6, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ऑल ऑफ दीज विल कैंसिल ईच अदर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्योंकि वन वेरिएबल है और डिग्री हमारे पास 2 है, वन वेरिएबल है x और डिग्री हमारे पास मैक्सिमम क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन अगर करना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन सबसे इजी है, इससे कॉमन मैंने ले लिया x इंटू 2x अंदर बच जाएगा क्योंकि x मैंने कॉमन लिया है, प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि या x 0 होगा या ये 0 होगा, तो x को 0 ले, एक सोल्यूशन ये आ गया। दूसरा हमारे पास 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 को उस साइड पे शिफ्ट करें, 2x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 5 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब हमने x कैलकुलेट करनी है तो 2 को उस साइड पे शिफ्ट करें, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो उस साइड पे जब जाएगा तो हमारे पास डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे सोल्यूशन सिर्फ हमारे पास आ गया, x की एक वैल्यू 0 है और एक है माइनस 5 डिवाइड बाय 2। ये था आज का हमारा लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर भी इस तरह के इक्वेशंस होंगे, हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन ये यहाँ पे डिग्री 4 है, वहां पे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, आगे इससे हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स पढ़ेंगे, उनको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर यहाँ तक आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, 100% कोशिश के साथ आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू ऑल।